बढ़ती गर्मी से आधा देश झुलस रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत भारत के कई प्रदेशों में इस तपते मौसम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई शहरों में तो गर्मी इतनी भयानक है कि दोपहर में घर से निकलने पर आग थप्पड़े महसूस होते हैं। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में अलग अलग 5 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने के अनुमान भी जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक उत्तर भारत में पारा 45 डिग्री के पार रहेगा। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने आज दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई है, लेकिन उससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि अधिकतम पारे में सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक और रात में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की तेजी है, जिससे दिन के किसी भी पहर लोगों को गर्मी से राहत मिल पाएगी। और इस खबर पे मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जेपी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो इस तरह की गर्मी कब तक रहेगी? वैसे गर्मी अभी 3 से 4 दिन तक रहेगी, इसके बाद करीबन 4 दिन बाद तापमान में कुछ गिरावट आएगी और प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, हल्की बारिश भी हो सकती है जिससे तापमान में गिरावट आएगी। अभी फिलहाल 3 से 4 दिन तक तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। जेपी जी, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर हम उसकी बात करें तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए तो ये है कि अगर जहाँ तक संभव हो सके तो दोपहर के समय न निकले, और अगर निकलना आवश्यक हो तो सर को ढक लें, पूरी बाह के कपड़े पहन ले और पानी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पानी की कमी ना होने पाए, डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी की वजह से तापमान शरीर का बढ़ जाता है और लू लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी सावधानियां रख करके इस गर्मी के प्रकोप से बचा जा सकता है। जी जेपी जी, ऐसा भी है कि केरल में मानसून आने की बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि केरल में मानसून आने के बाद यहाँ भी उसका असर दिखेगा या नहीं? नहीं, केरल में मानसून तो अभी जैसे मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 29 तारीख के आसपास आ सकता है, लेकिन वहाँ के मानसून से अभी यूपी के तापमान में कोई अंतर नहीं आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।